लाइन की नेक्स्ट फॉर्म है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ ए लाइन, इसी को हम डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन भी कहते हैं, या कभी कभी हम इसे आर कॉमा थीटा फॉर्म ऑफ ए लाइन भी कहते हैं। लाइन की पैरामेट्रिक फॉर्म नॉर्मल फॉर्म से थोड़ा सा अलग होती है, क्योंकि इसमें हम लाइन की इक्वेशन को ना कैलकुलेट करके लाइन की पैरामेट्रिक डिस्टेंस या लाइन के पैरामेट्रिक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करते हैं। तो हम कह सकते हैं लाइन की पैरामेट्रिक फॉर्म को हम तब यूज करते हैं जब किसी क्वेश्चन में हमें लाइन में उपस्थित एक फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए जाएं और इंक्लिनेशन एंगल ऑफ ए लाइन दिया जाए और हमसे उस लाइन पे उपस्थित पैरामेट्रिक पॉइंट के कोऑर्डिनेट या पैरामेट्रिक डिस्टेंस पूछी जाए, उस केस में हम लाइन की पैरामेट्रिक फॉर्म को यूज करते हैं। लाइन की पैरामेट्रिक फॉर्म बराबर होती है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में कॉस थीटा इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन में साइन थीटा इक्वल टू आर के, जहां पर एक्स वन कॉमा वाई वन जो है वो रेखा में उपस्थित फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, थीटा जो है वो इंक्लिनेशन एंगल ऑफ ए लाइन है, और एक्स कॉमा वाई जो है वो रेखा में उपस्थित पैरामेट्रिक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, और आर जो है वो फिक्स पॉइंट से पैरामेट्रिक पॉइंट के बीच की दूरी है। तो हम कह सकते हैं लाइन की जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है वो बराबर होती है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में कॉस थीटा इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन में साइन थीटा इक्वल टू आर के, जहां पर एक्स वन कॉमा वाई वन आर ए फिक्स पॉइंट कोऑर्डिनेट इन ए लाइन, एक्स वन कॉमा वाई वन रेखा में उपस्थित एक फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, एंड थीटा इज ए इंक्लिनेशन एंगल ऑफ ए लाइन एंड एक्स कॉमा वाई आर पैरामेट्रिक पॉइंट कोऑर्डिनेट इन ए लाइन एंड आर इज ए डिस्टेंस बिटवीन ए फिक्स पॉइंट एंड पैरामेट्रिक पॉइंट इन ए लाइन। तो हम कह सकते हैं जब किसी क्वेश्चन में हमें रेखा में उपस्थित एक फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट और इंक्लिनेशन एंगल ऑफ ए लाइन दिया जाए और हमसे उस क्वेश्चन में लाइन के पैरामेट्रिक पॉइंट के कोऑर्डिनेट या लाइन की पैरामेट्रिक डिस्टेंस को पूछा जाए, तो उस केस में हम लाइन की पैरामेट्रिक फॉर्म को यूज कर रहे होंगे, जो कि बराबर होती है x माइनस एक्स वन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन में साइन थीटा इक्वल टू आर के। यदि हम इसे आपको ड्रॉ करके दिखाएं, तो मान लेते हैं हमारे पास प्लेन है जिसके ये दो परपेंडिकुलर एक्सेस हैं, वन इज x एक्सेस एंड सेकेंड वन इज y एक्सेस, और हमारे पास एक लाइन है जो कि x एक्सेस से थीटा डिग्री इंक्लिनेशन एंगल पर है, इट मींस दिस लाइन इज इंक्लाइंड टू थीटा डिग्री, और इस लाइन पर एक फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं x1 कॉमा वाई वन। मान लेते हैं ये पॉइंट जो है वो पॉइंट ए है, और इसी लाइन पर हमें एक पैरामेट्रिक पॉइंट भी दिया गया है, मान लेते हैं वो पॉइंट पी है, जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं एक्स कॉमा वाई वन एक्स कॉमा वाई, और लाइन के एक फिक्स पॉइंट से इस पैरामेट्रिक पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आर है, इतना डेटा हमें दिया गया है। यदि हम पॉइंट ए से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें तो हम कह सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू थीटा, क्योंकि ये दो लाइनें पैरेलल हैं और एक लाइन उनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो दो पैरेलल लाइन को अगर एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसके द्वारा बनाए गए करस्पॉन्डिंग एंगल
बराबर होंगे, इट मीन्स ये अगर थीटा है तो ये भी कितने का होगा, थीटा का होगा। अगर हम पॉइंट ए से एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करें, ठीक इसी तरह पॉइंट बी से भी, पी से भी एक एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करें, तो आपको पता होगा इन प्रोजेक्शन की जो लेंथ होती है वो इनके वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होती है, इट मीन्स वाई वन एंड दिस लेंथ इज इक्वल टू वाई, और इनके फुट ऑफ परपेंडिकुलर से ओरिजिन के बीच की जो दूरी होती है वो इनके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होती है, इट मीन्स दिस वन इज एक्स वन एंड दिस वन इज एक्स। अगर हम इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को नाम दे दें बी, तो आप देख रहे होंगे ये परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो ये एक राइट एंगल होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी पी इज ए राइट एंगल, है ना। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका ये हाइपोटेनियस है, ये इसका क्या होगा, बेस होगा, और ये इसका परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हम बेस की लेंथ को कैलकुलेट करें तो बेस की जो लेंथ होगी वो बराबर होगी x माइनस एक्स वन के, और इसी तरह परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी वो बराबर होगी y माइनस वाई वन के, क्योंकि ये पूरी लेंथ y है और इतनी लेंथ को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दिस लेंथ मिल जाएगी। तो हम कह सकते हैं इन ए ट्रायंगल ए बी पी में अगर हम cos थीटा कैलकुलेट करें तो cos थीटा जो होता है वो हमारा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस के, इट मीन्स cos थीटा को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारा बेस कितना है x माइनस एक्स वन, तो x माइनस एक्स वन अपॉन में हाइपोटेनियस की लेंथ कितनी है, r है। तो हम कह सकते हैं cos थीटा बराबर होगा x माइनस एक्स वन अपॉन में r के, क्योंकि हमें r दिया गया है। तो अगर हम r की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो r के फॉर्म में अगर इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हम कह सकते हैं r बराबर होगा x माइनस एक्स वन अपॉन में cos थीटा के, ठीक। इसी प्रकार अगर हम इस ट्रायंगल में साइन थीटा को कैलकुलेट करें तो साइन थीटा हमें पता है, साइन थीटा एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइन थीटा का रेशियो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, है ना, परपेंडिकुलर में हाइपोटेनियस, ठीक। अगर आप देख रहे होगे तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, ये है, और हाइपोटेनियस ये है। तो अगर हम इसकी वैल्यू पुट अप करें तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी वाई माइनस वाई वन अपॉन में r के, ठीक। यहाँ से भी अगर हम r को कैलकुलेट करें तो r बराबर होगा y माइनस वाई वन अपॉन में साइन थीटा के। आप देख रहे होंगे एक बार r जो है वो बराबर है x माइनस एक्स वन अपॉन में cos थीटा के, और एक बार जो r है वो बराबर है y माइनस वाई वन अपॉन में साइन थीटा के। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही इक्वेशन आपस में एक बराबर होगी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के बराबर है r के। तो हम कह सकते हैं जो लाइन r बराबर होगा x माइनस एक्स वन अपॉन में cos थीटा बराबर y माइनस वाई वन अपॉन में sin थीटा इक्वल टू r के, और यही हमारी क्या है, लाइन की पैरामेट्रिक इक्वेशन है, है ना। तो जब किसी क्वेश्चन में हमें लाइन के एक फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए जाएं और इंक्लिनेशन एंगल ऑफ ए लाइन दिया जाए और लाइन के पैरामेट्रिक डिस्टेंस या पैरामेट्रिक पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे जाए, तो उस केस में हम लाइन की पैरामेट्रिक फॉर्म को यूज कर रहे होंगे। अगर हम इस इक्वेशन से लाइन के पैरामेट्रिक पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करें, अगर हम इसे रफ कर दें, तो हमें पता है कि अभी जो है वो लाइन के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई है। तो अगर हम इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करें, हमने अभी देखा है कि जो r बराबर होता है x माइनस एक्स वन अपॉन में cos थीटा के, अगर हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो x तो ये रहा, तो x को यहाँ रहने देते हैं, बाकी सबको इधर ट्रांसफ़र करते हैं। तो हम कह सकते हैं r cos थीटा इक्वल टू होगा x माइनस एक्स वन के, x1 को भी हम इधर लाएंगे तो इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं x बराबर होगा x1 प्लस r cos थीटा के, और x क्या है, हमारा पैरामेट्रिक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, है ना, ठीक। इसी प्रकार अगर हम y कोऑर्डिनेट को भी कैलकुलेट करें तो हमें पता है r बराबर क्या होता है, y माइनस वाई वन अपॉन में साइन थीटा के। अगर हम यहाँ से y को कैलकुलेट करें तो हम कह सकते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर रहे होंगे तो हम क्या होगा, r
साइन थीटा इक्वल टू वाई माइनस वाई वन के, वाई वन को इधर ट्रांसफर करेंगे तो वाई इक्वल टू आ जाएगा वाई वन प्लस आर साइन थीटा के। इट मीन्स हम कह सकते हैं हमारे जो लाइन के पैरामेट्रिक पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो बराबर होंगे एक्स वन प्लस आर कॉस थीटा इक्वल टू वाई वन प्लस आर साइन थीटा के। तो जब हमसे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पूछे जाएं तो हम ये यूज कर रहे होंगे, और जब हमसे पैरामेट्रिक डिस्टेंस पूछी जाए उस केस में हम इसे यूज कर रहे होंगे। इसे रफ कर देते हैं और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन लिखिएगा, ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट ए वन कॉमा टू मेक्स एंगल 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस एंड इंटरसेक्ट द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 एट द पॉइंट पी, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट पी। क्वेश्चन में कह रहा है हमसे कि एक रेखा है जो बिंदु 1.2 से होकर गुजरती है और वह एक्स अक्ष के साथ 60 डिग्री के झुकाव पर है, और एक दूसरी रेखा है जिसका समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 6, वह उस रेखा को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। तो बिंदु A और बिंदु P के बीच की दूरी को ज्ञात कीजिए। अगर हम आपको इसे ड्रॉ करके दिखाएं तो हमें कह रहा है कि हमारी एक लाइन है जो कि प्लेन पर 60 डिग्री के इंक्लिनेशन एंगल पर है। अगर हम इसे ड्रॉ करें तो मान लेते एक लाइन है ये जो कि एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री इंक्लाइंड है, और इसी रेखा पर एक पॉइंट है पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं 1.2, और एक रेखा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 जो इस रेखा को पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रही है। इट मीन्स एक रेखा और है जिसका समीकरण हमें दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 6, वह इस रेखा को बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रही है। अगर हम इस रेखा की बात करें तो इस रेखा में हमें क्या क्या दिया गया है, एक फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और इंक्लिनेशन एंगल दिया गया है 60 डिग्री का, और एक पॉइंट P है, और हमसे जो पूछा जा रहा है बिंदु A और बिंदु P के बीच की दूरी पूछी जा रही है। अगर हम इसे R मान लें तो हम कह सकते हैं कि हमें एक फिक्स पॉइंट से एक पैरामेट्रिक पॉइंट के बीच की दूरी पूछी जा रही है। तो इट मीन्स हम इस लाइन के पॉइंट P को अपना पैरामेट्रिक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लें, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, वो बराबर होंगे एक्स वन प्लस आर कॉस थीटा एंड वाई वन प्लस आर साइन थीटा के, जहां पर एक्स वन और वाई वन क्या है, रेखा में उपस्थित एक फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं जो कि हमें 1.2 के रूप में दिए गए हैं, और थीटा जो है वो हमारा क्या है, इंक्लिनेशन एंगल है ऑफ ए लाइन। इट मीन्स यहां पे जो दिया गया है 60 डिग्री वो बराबर होगा थीटा के, और आर क्या है, पॉइंट ए से पैरामेट्रिक पॉइंट पी के बीच की दूरी है जो कि हमें कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को में इसमें वैल्यू पुट अप करें तो हमारे पॉइंट के जो
कोऑर्डिनेट होंगे पॉइंट पी के, वो होंगे 1 प्लस आर कॉस 60 डिग्री एंड 2 प्लस आर साइन 60 डिग्री। हमारे ये पैरामेट्रिक पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। अगर हम इस लाइन की बात करें तो इस लाइन की हमें इक्वेशन दी गई है x प्लस वाई इक्वल टू 6, और पॉइंट P जो है वो इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इट मीन्स हम कह सकते हैं पॉइंट P जो है वो दोनों ही लाइनों में उपस्थित होगा। अगर ये दोनों ही लाइनों में उपस्थित है, इट मीन्स इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो अगर हम इस लाइन पर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई कराएं तो हमें हो सकता है कि वैल्यू मिल जाए R की। तो अगर हम इसके पॉइंट के वैल्यू को पुट अप करें तो x बराबर क्या है हमारा, 1 प्लस आर कॉस 60 डिग्री, और y बराबर क्या है हमारा, 2 प्लस आर साइन 60 डिग्री इक्वल टू होगा 6 के। अगर हम r कॉस 60 डिग्री और r साइन 60 डिग्री को एक तरफ लेके r कॉमन ले लें तो हमारा बचेगा अंदर r कॉमन आ जाएगा, कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, और 1 प्लस 2 इक्वल होगा प्लस 3 के इक्वल टू 6 के। अगर हम इनकी वैल्यू को पुट अप करें तो कॉस 60 होता है 1/2, साइन 60 होता है रूट 3/2। इस 3 को उधर ले जाएंगे तो कितना, ये 6 में माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना, 3, है ना। तो अगर हम इनको जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, आर यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट 3 प्लस 1 अपॉन में 2 इक्वल टू 3 के। इस 2 को उधर ले जाएंगे तो ये किस में बदल जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। इट मीन्स r को हम बोल सकते हैं कि r बराबर क्या होगा, 6 अपॉन में रूट 3 प्लस 1। अब रूट 3 प्लस 1 नीचे आया है तो इसको हम क्या कर लें, परमेयकरण कर लें, रैशनलाइज कर लें। तो अगर हम इसको रैशनलाइज कर रहे होंगे तो रूट 3 माइनस 1 अपॉन में रूट 3 माइनस 1 से कर रहे होंगे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी है। इट मीन्स जो नीचे होगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो रूट 3 का स्क्वायर कर रहे होंगे तो 3 आएगा, और माइनस 1 का स्क्वायर कर रहे होंगे तो 1 आएगा। इट मीन्स हमारा नीचे जो बनेगा वो क्या बनेगा, 3 माइनस 1। इट मीन्स हम कह सकते हैं इसको क्या होगा, 2 होगा, और ऊपर क्या बचेगा, 6 रूट 3 माइनस 1। इस 2 से अगर इसको कैंसिल आउट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 प्लस 1। तो हम कह सकते हैं हमारी जो r की डिस्टेंस आई है वो आई है 3 मल्टीप्लाई बाई रूट 3 माइनस 1 के। क्लियर है। तो जब भी हमसे डिस्टेंस पूछा जाए उस केस में हम लाइन की पैरामेट्रिक फॉर्म को यूज करके अपने क्वेश्चन को कैलकुलेट कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, ए स्ट्रेट लाइन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट ए 3, -5 मेक्स एंगल 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस एंड इंटरसेक्ट द लाइन x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0 एट द पॉइंट p देन फाइंड द लेंथ ऑफ ap।
क्वेश्चन में कह रहा है हमसे कि एक रेखा है जो कि बिंदु 3-5 से होकर गुजरती है और एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्री का झुकाव रखती है, और एक दूसरी रेखा है जिसका समीकरण है x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, वह उस रेखा को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है, तो बिंदु P और बिंदु A के बीच की दूरी को ज्ञात कीजिए। तो सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, हमें एक लाइन दी गई है जो कि एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्री का झुकाव रखती है, और इस लाइन पर एक पॉइंट है, पॉइंट ए, जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 3-5, और एक लाइन है जिसका समीकरण दिया गया है x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, जो कि इस रेखा को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रही है, और हमसे जो पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ AP पूछा जा रहा है। अगर हम इसे R मान लें, तो अगर हम इस लाइन की बात करें तो इस लाइन में एक फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं जो कि है 3-5, और इंक्लिनेशन एंगल दिया गया है जो कि 45 का है, और इस फिक्स पॉइंट से एक पॉइंट के बीच की दूरी पूछी जा रही है। इट मीन्स इस पॉइंट को हम अपना पैरामेट्रिक पॉइंट भी बोल सकते हैं, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारे क्या होंगे, x1 प्लस आर कॉस थीटा कॉमा y1 प्लस आर साइन थीटा। अगर हम इनकी वैल्यू पुटअप करें, x1 y1 हमें दिया गया है कितना है 3 है, और y1 कितना है 5 है, सॉरी माइनस 5 है, इट मीन्स ये माइनस का होगा, और थीटा हमें दिया गया है कितने का है 45 डिग्री का, इट मीन्स कॉस 45, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 45 हो जाएगा, और ये जो पॉइंट P है वो दोनों ही लाइनों में उपस्थित है, इट मीन्स वो लाइन की इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो अगर हम इसमें पुटअप करें x और y के कोऑर्डिनेट को, तो x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0 दिया गया है। अगर हम x को पुटअप करें तो x कितना है 3 प्लस आर कॉस 45 डिग्री प्लस y कितना है हमारा माइनस 5, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस 5 प्लस आर साइन 45 डिग्री, अगर इस माइनस 6 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आर आर को कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा कॉस 45 प्लस साइन 45, ये 3 है ये माइनस 5 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 2 इक्वल टू 6 है ना। अगर इस माइनस 2 को उधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाएगा तो 4 प्लस हो जाएगा, इट मीन्स यहाँ क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अगर हम इनकी वैल्यू पुटअप करें तो कॉस 45 क्या होता है 1/√2, साइन 45 भी क्या होता है 1/√2, इक्वल होगा 8 के, इट मीन्स अगर इनको जोड़ दें तो r बराबर क्या हो जाएगा 2√2 इक्वल टू 8 के हो जाएगा। अगर इसको उधर शिफ्ट करें, इसको कैंसिल आउट कर दें, ये 4 हो जाएगा, तो r बराबर कितना आ जाएगा 4√2, इट मीन्स लेंथ ऑफ AP जो आएगी वो इक्वल होगी 4√2 के। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं जब हमसे पैरामेट्रिक डिस्टेंस पूछी जाए, तो हमें पैरामेट्रिक फॉर्म में रख के डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करनी है और हमारा आंसर ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिखिएगा, ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट ए 2-3 मेक्स एंगल 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P on a line at the distance 5 unit from A.
क्वेश्चन में कह रहा है हमसे कि एक रेखा है जो कि बिंदु 2.3 से होकर गुजरती है और वह x अक्ष के साथ 30 डिग्री का झुकाव रखती है, और उस रेखा पर एक बिंदु P है जो कि बिंदु A से 5 इकाई की दूरी पर है, तो बिंदु P के कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक क्या होंगे। तो अगर हम इसे आपको ड्रॉ करके दिखाएं, तो हमें एक लाइन दी गई है प्लेन पर जो कि x एक्सिस के साथ 30 डिग्री के इंक्लिनेशन एंगल पर है। इट मीन्स इंक्लिनेशन एंगल ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू 30 डिग्री, और इस लाइन पर एक फिक्स पॉइंट है पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं 2.3 हैं, और पॉइंट ए से 5 इकाई की दूरी पर एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमसे पूछे गए हैं। तो अगर ये डिस्टेंस 5 है तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक लाइन है और एक फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, और इंक्लिनेशन एंगल ऑफ ए लाइन दिया गया है, और 5 यूनिट की डिस्टेंस पे एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, पूछे गए हैं। इट मींस अगर हम इस पॉइंट को अपने पैरामेट्रिक पॉइंट माने तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, x1 प्लस r cos थीटा प्लस y1 प्लस r साइन थीटा, जहाँ पर x1 y1 क्या है, फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं जो कि हमें दिए गए हैं x1, y1 के रूप में, और थीटा क्या है, इंक्लिनेशन एंगल ऑफ ए लाइन है जो कि दिया गया है 30 डिग्री, और r क्या है, पैरामेट्रिक डिस्टेंस है फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू पैरामेट्रिक पॉइंट, है ना। तो सारी वैल्यू हमें पता है, तो हम इसमें पुटअप करेंगे और अपने कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो अगर हम इसमें x1 पुटअप करें तो क्या होगा, 2 प्लस r कितना है 5 cos 30 डिग्री, ठीक। इसी प्रकार y कितना है हमारा, 3 प्लस r 5 sin 30 डिग्री, है ना। अगर इसे हम और कैलकुलेट करें तो 2 प्लस 5 cos 45 कितना होता है, रूट 3 बाई 2, एंड 3 प्लस 5 ये कितना होगा, 1/2 sin 30, है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 2, तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 5 रूट 3 अपॉन में 2, और इसका अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस 5 डिवाइड बाय 2। तो हमारे जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, 4 प्लस 5 रूट 3 बाय 2, और ये क्या होगा, 11/2। तो हमारे जो पैरामेट्रिक पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएंगे, 4 प्लस 5 रूट 3 बाय 2 एंड 11/2, है ना। तो जब हमसे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो हम उसे x1 प्लस r cos थीटा एंड y1 प्लस r sin थीटा में पुटअप करके कैलकुलेट करेंगे।